नफरमानी ना करे आप। फिरोज साहब के मिला बेहतरीन बयान की होती है, आप सुनेगा। यही नहीं और ना माशाल्लाह आज हम इनसे मुलाकात हुई, ऐसी कुछ नहीं, हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे स्टेजों पे हजरत से मुलाकात होती है। बोलिए सुभान अल्लाह जी। बहुत ही अच्छे मुकर्रर माने जा रहे इस वक्त, बहुत ही बड़े मुकर्रर के नामों में भी नाम इस फिरोज रजवी का भी है। बोलिए सुभान अल्लाह। और इस फिरोज रजवी सिर्फ मटिया में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोना में जाते हैं सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान से अलग नेपाल भी जाते हैं। तो हजरत की दुआएं हैं और इंशाल्लाह आमीन कहना चाहिए। अब मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग जग रहे हैं। गम हो गए बेशुमार आता, गम हो गए बच्चे के उम्र में इतना बरकत अता फरमाए, आमीन कह दे। आपका भाई होगा, आपका भतीजा होगा, आपका पोता होगा। फिरोज साहब किबला में पढ़ता हूँ, समाअत फरमाइएगा। गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे सारा का। बिगड़ा जाता है खेल मेरा, बिगड़ा जाता है खेल मेरा, बिगड़ा जाता है खेल मेरा, आका आका सवारा का। गम हो गए बिगड़ जाता है खेल मेरा, बिगड़ जाता। मेरी कोई खता नहीं है, माइक में खता है, माइक के ऑपरेटर में खता है। अब वेस कमी नहीं कर रहे तो भाई जाहिर सी बात है, इतनी दूर से पढ़ेंगे तो हाथ जाएगी नहीं, और तेज से पढ़ेंगे तो कान में लगेगी। आप मुलाजा फरमाए। बिगड़ जाता है खेल मेरा, माइक सही हो रहा है। फिरोज साहब किबला माशाल्लाह बहुत ही मुखलिस और बहुत ही अच्छे इंसान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। फिरोज साहब किबला बड़ी मुखलिस और बहुत ही अच्छे इंसान है और आपके मठिया गांव के इमाम हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। फिरोज रजवी साहब किबला बड़ी अच्छे हैं, बड़ी नेक, बड़ी मुखलिस है और मठिया गांव के इमाम है माशाल्लाह। प्रथम समाज पर मैं पहली हाजिरी है। आशिक क्या कहता है? बिगड़ा जाता है खेल मेरा, बिगड़ा जाता है खेल मेरा, आका आका सवारा का। गम हो गए। एक मतलब पढ़ता हूँ फिरोज साहब की दुआ लेते हुए। अब यहाँ पर आधा आधा के लिए पूरी पूरी की बात की जा रही है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए, या हुसैन, नबी के नाम पे अगर अपने हाथों को सलामत अल्लाह ने हाथ रखी है तो नबी के नाम पे अपने हाथों को उठाए और दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब को अल्लाह रिहाई अता फरमाए। कह दे आमीन। अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। हल्का
सागे अगर हलका है अगर हमारा पल्ला या रसूल अल्लाह हलका है अगर हमारा पल्ला हलका है अगर हमारा पल्ला हलका है अगर हमारा पल्ला तारी है तेरा हलका है अगर हमारा पल्ला हलका है अगर हमारा पल्ला भारी है तेरा वकार भारी है तेरा वकार आका गम हो गए अब मदीना के जानी चलते हैं। कहाँ चलते हैं बोले ना सुभान अल्लाह। कहाँ चलते हैं मदीना के जानी चलते हैं। आशिक क्या लिखता है देखिए। न्यू कलाम फिरोज रजवी साहब किबला की कदमों की दुआ लेते हुए पढ़ता हूँ। हजरत आपकी दुआ चाहूंगा इस अशार पे। आशिक क्या लिखता है उससे कबल ईमान ताजा करने के लिए कलमा दे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न्यू कलाम बेहतरीन कलाम एकदम न्यू कलाम पढ़ता हूँ। आप मुलाजा फरमाए माशाल्लाह। मदीने से बुलाव आ रहा है। बोलिए ना। अरे बोलिए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पे 90 ने किया है। कितनी है 90। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह कहने पे 90 ने किया है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, हजरत की तकरीर होगी। हम लोग नात खा है। ठीक है आप मुलाजा फरमाए। आशिक क्या कहता है देखें। मदीने से बुलावा आ रहा है। कौन आशिक नहीं चाहता है यार कि हम मदीना ना जाएं। कौन आशिक नहीं चाह रहा है। आप खुल जाएं हम भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। आप नहीं खुलेंगे हम नहीं खुलेंगे। आपको खुलने से मुराद क्या है सुभान अल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ समाज फरमाए। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से देखिए वाकई में अगर आप बोल दिए इधर तो बढ़िया अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। इधर की तरफ नहीं बोल रहे हैं। हम बूढ़े लोगों को ज्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे। नौजवान बच्चे जो पीछे हुआ आप आगे आ जाओ बाबू। जो कुर्सी खाली उसको बच्चे पीछे वाले बच्चे आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह और अच्छा लगेगा। आ जाओ बाबू आगे आ जाओ। ये शेर देखे आप। मदीने से बुलावा मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरा दिल बुझ से पहले जागा गे और सब पे फरकत से दिल कपड़ा लगा। लिखने वाला भी आशिक है और पढ़ने वाला भी चचा क्या है आशिक है और सुनने वाला भी दीवाना है। बोले ना यार आप दीवाना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम मठिया के सरजमीन पे पढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अपने गांव के सरजमीन पे पढ़ रहे। बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत का सलाम है और फिरोज रजवी साहब की मोहब्बत की भी दाद और सलाम ठोकता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। जब आपके इमाम साहब इतने अच्छे हैं। मैंने कहा ना फिरोज रजवी साहब किबला बड़ी अच्छे हैं बड़ी मुखलिस हैं और मठिया गाँव के इमाम हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये क्या है आशिक क्या लिखता है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल बुझ से पहले जा रहा है। मेरा दिल बुझ से पहले जा रहा है और सब पे फरकत से दिल घबरा रहा है। छपे फरकत से दिल घबरा
ये अशआर मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो अपने दिलों में घमंड रखते हैं। फिरोज साहब की बला मैं उनके लिए पढ़ा हूँ जो अपने दिलों में घमंड रखते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे हम लोग तो आशिक हैं। आशिक क्या लिखता है देखिए, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। और आज जो लोग बात कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान से चले जाओ वो भी कलाम पढ़ूंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम नबी ने फरमाया जिहाद करो, लेकिन लोगों के ख्याल में जिहाद इस्लाम कह रहा है तो गोली बारूद और लाठी समझ रहे। नहीं, गलत के सामने हक बोलना यही जिहाद है। बोले ना सुभान अल्लाह। यही जिहाद है, हक बोलना यही जिहाद है, सच बोलना यही जिहाद है, इस्लाम ही जिहाद है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और पढ़ता हूँ देखिए, यहाँ मर्जी लगे चलती किसी की, यहाँ मर्जी लगे चलती किसी की, यहाँ मर्जी लगे चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा है रागे, मदीने वाला ही बुलवा रागे, यहाँ मर्जी लगे चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रागे। सबसे गुंबद से किसको मोहब्बत नहीं है, बोलिए ना, है ना चाचा, मोहब्बत है ना। सबसे गुंबद देखने की, हरा गुंबद देखने की किसकी ख्वाहिश नहीं है। और आशिक तो कहते हैं ना, हरा गुंबद देखो, देखोगे तो नजारा भूल जाओगे और जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद देखोगे तो जमाना भूल जाओगे और नबी के नाते सुन लोगे तो गाना भूल जाओगे। अब आशिक क्या कह रहा देखे आप। अजब है सब गुंबद के नजारे, 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 निगाहों को निगाहों को निगाहों को खुदाया दिया है रागी, निगाहों को खुदाया दे आ रागी। और आका किसके सत्ता बांट रहे हैं और दुनिया किसकी सत्ता खारी है। माशाल्लाह, आज नबी के नाम मिटाने की बात की जा रही है। अरे जिस नबी का नाम, जिस महबूब का नाम खुदा अर्श के हर साए पर लिख दिया हो, उस महबूब का नाम कोई मिटा सकता है। हजरत आदम की भी दुआ कबूल हुई थी ना, हमारे नबी हजरत आदम मेरे नबी के नामों के सदके हुई थी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये ऐसे नबी हैं, हम बड़ी अच्छी उम्मती है यार। देखिए क्या होता है। अदब है सब गुंबद के नजारे, अदब के सब गुंबद के नजारे, निगाहों को खुदाया दया रहा है, उन्नवासों का ये सदका बांटते हैं। खाली मुहर्रम में याद करेंगे इमाम हसन हुसैन को नहीं, हम सुन्नी तो बारो मास याद करेंगे। बोले या हुसैन, अपने हाथों को उठा के बोले या हुसैन। हमें पैसा कमाना मतलब नहीं है, अच्छी बात बताना मतलब है। बोले सुभान अल्लाह। ये अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। आशिक क्या कहता है देखिए, नवासों का ये सदका बांट दे, नवासों का ये सदका बांट दे, जमाना उनका सदका था, जमाना उनका सदका तारा गागे, और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। कहाँ ले जाने की बात की जा रही है, किसी के दिल में नहीं,
अल्लाह भाई जान की कमाई में बरकत अता फरमाए, कह दे आमीन। बोलिए बुलंद आवाज से आमीन। ये नात पढ़ना साहबे रसूल की सदका है, सुन्नत है, और ये नाथे नबी सुन्ना मेरे नबी क्या क्या है बोलिए ना, सुन्नत है, और इनाम और तहसीन देना भी ये मेरे नबी का सुन्नत है। मैं तो अभी जगा रहा हूँ, बोलिए ना सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से हाथों उठा के बोले या रसूल अल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पढ़ता हूँ आशिक क्या कहता देखिए, ये सदका बांट दे गई और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीना जा रहा है, अकेला क्यों मदीना जा रहा है। और बेहतरीन न्यू कलाम जो अभी इस वक्त इंडिया में रेगुलर चल रहा है, जो बेहतरीन घूम रहा है, नाच रहा है चारों तरफ, उस कलाम को पढ़ता हूँ फिरोज साहब, आपकी दुआ लेते हुए, और हजरत आपकी भी दुआ लेते हुए, और जितनी हमारे चचा लोग बैठे हैं ना, जिस मरु मरुमा के नियत से आपकी भी दुआ लेते हुए, बोलिए सुभान अल्लाह। और दुआ करते हैं जिस इनके घर में फातिहा है मौला, इनके खानदान वालों को जन्नत में आला से आला जगह था फरमाए, आमीन कह दे। यहाँ बैठने से मुराद है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसका खुदा कबूल करेगा ये कोई नहीं जानता। बहुत ही अच्छा कलाम मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। नौजवान भाइयों मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, अपने माँ बाप के नामों पे अपने हाथों उठा के बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या हबीब अल्लाह। अब देखिए मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या आलम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेटर साहब किबला माइक बना चुके हैं, अब आप सुन के दिखाएं माशाल्लाह। आशिक क्या कहता है देखिए, मुलाजा फरमाए, बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना मुसा अल्लाह। आँख है हमारा, देखिए मेरा भाई इस तरीके से अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, नबी के नाम पे हम रुकने वाले हैं। अरे बोलिए ना नबी के नाम पे रुकने वाले नहीं है, नबी हमारी शान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी हमारी जान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी हमारी पहचान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आह कहे हमारा, इस आशार पे, इस आशार पे आप मेरा साथ दीजिएगा, हाथ उठा के बोलिए अपने नबी के नाम पे झंडा बना दे, खुदा के कसम कल मैदान महशर में जहन्नम की आग कभी नहीं जला सकती। बोलिए सुभान अल्लाह, अपने हाथों उठा के बोलिए, अपने हाथों उठा के बोलिए। आह कहे हमारा, आह कहे हमारा, मौला है हमारा, मौला है हमारा, आह कहे हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे है से सबसे अलग सबसे है प्यारा। आज लोग झूठे नेताओं की तारीफ कर रहे हैं तो लोग जान दे रहा है, पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर खुदा ने भेजा नबी को, यार उस नबी की बात की जा रही है। आह कहे हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे हंसे सबसे अलग सबसे है प्यारा, जो सबसे हंसे सबसे अलग सबसे है प्यारा। आह कहे हमारा, आह कहे हमारा, कहते है जिसे आम नबी बिका दुलारा, कहते है जिसे आम नबी बिका दुलारा, कहते है जिसे आम नबी बिका दुलारा। बोलिए आह कहे हमारा, आह कहे हमारा, आह कहे हमारा, आह कहे हमारा, जो सबसे हंसे सबसे अलग सबसे प्यारा, जो सबसे हंसे सबसे अलग सबसे प्यारा। आह कहे हमारा, आह कहे हमारा, कहते है जिसे आम नबी बिका दुलारा, कहते है जिसे आम नबी बिका दुलारा। आह कहे हमारा, मौला कहे हमारा। अब दूध का दूध और दूध का दूध और
देखें सूखी हुई लकड़ी को जो तलवा बनाते, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवा बनाते, इसे नितरे से नितरा को कुछ लाते, इसे नितरे से नितरा को कुछ लाते, उंगली के इशारे से करे, उंगली के इशारे से करे, उंगली के इशारे से करे चांद टुकड़े। आज चांद पे जाने वाले अपने आप को गर्व वाले समझते हैं। अरे उस चांद को जिसने तोड़ा उसका उम्मती है, हम कितने गर्व वाले हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने उस चांद ही को दो टुकड़ा किया। माशाल्लाह, आप चांद पे जाने की बात करते हो। देखें मुलाजा फरमाए आशिक क्या लिखता है, सूखे हुए लकड़ी को जो तलवा बना दे, सूखे हुए लकड़ी को जो तलवा बना दे, इंसान तो इंसान तरह तो बेच ला दे, उंगली के इशारे से करे चांद टुकड़ा, उंगले के इशारे से करे चांद टुकड़े, डूबे हुए से रात को जो बुल वाले दोबारा। हजरत अली की नमाज असर की नमाज हजरत अली की कजा हुई थी। किसकी किसकी? आजकल तो हमारे नौजवानों को तो पठान बड़ी याद रहते हैं, नौजबिल्लक पता नहीं कौन पठान है। और उस बरेली की पठान की बात नहीं करता कोई, केवल आपके मठिया गांव के इमाम साहब फिरोज रदवी साहब और कारी सैयद रहमान साहब गमारी गांव के इमाम साहब। और ये इमाम साहब किबला की जिम्मेदारी सिर्फ थोड़ी है यार, जितनी मेरे भी फर्ज हो उतना सब पे फर्ज है। बोलिए ना या हुसैन, बुलंद आवाज से बोलिए या हुसैन। मुझे बुलाए ना बुलाए लेकिन मैं बुलवाऊंगा आपको, मेरी दावत मिले ना मिले लेकिन मैं अपना काम पूरा करता हूँ। एक दिन बोलना है ताकि इंसान सुने ना सुने लेकिन रहमत के फरिश्ते दुआ देकर जाएं, रहमत के फरिश्ते दुआ दे के जाएगा। अब आशिक देखिए क्या लिखता है, उंगली के इशारे से करे चांद टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद टुकड़े, डूबे हुए सूरज को जो डूबे हुए सूरज को जो डूबे हुए सूरज को जो पुल वाले दुपाला, आ गए हमारा और भूखने वालों से कह देना वो मालिक मुख्तार ऐसे मेरे सरकार है सरकार है सरकार, ओ मालिक मुख्तार ऐसे मेरे सरकार है सरकार है सरकार, ऐसे कैसे हम जैसे नहीं जो दूसरे का हक मार के बैठ जाए, भाई का हक मार के बैठ जाए, चाचा का हक मार के बैठ जाए, नहीं कैसे? देखिए खुद को फायदा किया देश ने मगर सबको खिलाया, खुद को फायदा किया देश ने मगर सबको खिलाया। मतलब को आपने अगर सुन लिया तो मैं समझूंगा कि मिलाद सुनना कामयाब हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह, खुद को फाका किया गए उसने मगर सबको खिलाया, खुद को फाका किया गए उसने मगर सबको खिलाया, खुद को फाका किया गए उसने मगर सबको खिलाया, बेवायति मोको बेवायति मोको बेवायति मोको बेवायति मोको लगा, बेवायति मोको बेवायति मोको। आज मैं
मैं दूसरे मजहब की बात नहीं करूंगा। हमारे इस्लाम के अंदर, दीन इस्लामी मजहब के अंदर फिरोज साहब की बिला, आज लोग बेटी अगर बेवा हो जाती है ना, उसकी इज्जत नहीं करते यार, लानत हो इसी जिंदगी पे। मेरे आका ने बताया बेवाओं की क्या क्या हैसियत है, आप मुलाजा फरमाए। देखिए, खुद को फाका किया है उसने मगर सबको खिलाया, खुद को फाका किया है उसने मगर सबको खिलाया, खुद को फाका किया है उसने मगर सबको खिलाया, खुद को फाका किया है उसने मगर सबको खिलाया, बेवाओं लतीबों को गले से लगाया, बेवाओं लतीबों को गले से लगाया, करता है मदीने से जो, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा, आका ये हमारा, आका ये हमारा। और साहबे रसूल का नाम जानते हैं? एक साहबे रसूल ऐसे गुजरे हैं ना जिनका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोलिए ना सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक। और हजरत अबू बकर सिद्दीक मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले फिरोज साहब क़िबला सिद्दीक अकबर है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर है। सहाबी रसूलों का भी इस दीन के लिए बड़ी बड़ी खिदमत रहा, बड़ी मेहनत रहा है। आप मुलाजा फरमाए, वो जिसके सगा बेबे सितारों की तरह है। बोलिए सुभान अल्लाह, आज तो हमारे नौजवान पबजी में लगे रहते हैं। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए 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 सुभान अल्लाह। आज नहीं मेरे भाई, पबजी कोई जिंदगी नहीं होती। माँ बाप की इज्जत करें आप, माँ बाप की नफरमानी ना करें आप। फिरोज साहब के बिना बेहतरीन बयान की होती है, आप सुनेगा यही नहीं। और ना माशाल्लाह आज हम हुसैन से मुलाकात हुई, ऐसी कुछ नहीं, हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे स्टेजों पे हजरत से मुलाकात होती है। बोलिए सुभान अल्लाह जी, बहुत ही अच्छे मुकर्रर माने जा रहे इस वक्त, बहुत ही बड़े मुकर्रर के नामों में भी नाम इस फिरोज रजवी का भी है। बोलिए सुभान अल्लाह। और इस फिरोज रजवी सिर्फ मटिया में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोना में जाते हैं सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान से अलग नेपाल भी जाते हैं। तो हजरत की दुआएं हैं और इनकी नजर करम है कि मैं भी दूर दूर का शायरा कर रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, पढ़ता हूँ समाज फरमाए, वो जिसके सगा बेबे सितारों की तरह। बोले सुभान अल्लाह। आखिरी मौजू, आखिरी मोमेंट, अब हम आपके सामने आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने से मुराद बस आप सुभान अल्लाह बोलते रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलना है आपको? सुभान अल्लाह। अब देखिएगा, आप भी कहिएगा इतना बड़ा पागल आपका हमने आज तक नहीं देखा था। और फिरोज रजवी साहब की दुआ है, जो तग दिया मौला ने, जो तग दिया मौला ने, जो तग दिया मौला ने, वही हो के रहेगा। जो तग दिया मौला ने, वही हो के रहेगा। जो तग दिया मौला ने, वही हो के रहेगा। और मैं ही शर फकत उसका गे फरमा चलेगा, मैं ही शर में से उसका गे फरमा चलेगा, वो जिस पे गए। बोले ना, बोले बोले बोले, मेरे आका आए तो इतनी 1,24,000 कमो बेसमी करीमा है, नबी आए हैं दुनिया में चचा, लेकिन मेरे नबी के ऊपर कुरान क्यों नाजिल हुआ? बोले ना सुभान अल्लाह। अरे बड़ी अनमोल आप उम्मती हो जी, और उम्मती होने की सबूत बयान करें। अब हमारे नौजवान की खून गर्म हो रहा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। और जब हमारे नौजवान गर्म हो जाते हैं ना,
शायद रुक जाए दिन के मामले में। दिन के मामले में समझौता करेंगे आप? कभी नहीं। दिन के मामले में कभी समझौता, बोलिए ना बुलंद आवाज से, दिन के मामले में कभी समझौता? सर तन से जुदा नबी के लिए जान दे सकते, बोलिए ना सुभान अल्लाह, नबी के लिए अपनी जान को दे सकते हैं हम, तो नबी के नाम पे नहीं बोल सकते, शर्म की बात है ना, बोलिए सुभान अल्लाह। उनके लिए जान दे सकते हैं, उनके लिए बोलेंगे नहीं? अरे बोले सुभान अल्लाह। अरे हमारा एक एक खून का कतरा भी नबी के लिए कम पड़े तो देने के लिए तैयार है, बोले सुभान अल्लाह। केवल इंडिया किसी का नहीं, इंडिया हमारा भी, बोले सुभान अल्लाह। प्रथम समाज फरमाए, ओ जिसके सगा बेबे जिता रोज तारा दे, अरे आले नबी राजे बुला रोज तारा दे, अरे आले नबी राजे बुला रोज तारा दे, हम लोग दीवाने हम लोग दीवाने हम लोग दीवाने हम लोग दीवाने लगा एक ये नारा, हम लोग दीवाने लगा एक ये नारा, हम लोग दीवाने लगा एक ये नारा। दीवाने हैं, दीवाने हैं आप, बोले 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 बोले, हम लोग दीवाने लगा एक ये नारा, हम लोग दीवाने लगा एक ये नारा, क्या आहता गए हमारा, आहता गए हमारा, आहता गए हमारा, मल जागे हमारा। अब बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। फिरोज रजवी साहब की हाजिरी में और इमाम साहब आपकी भी हाजिरी में बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। आशिक कैसा होता है आप सुनकर दिखाएं। सर काट बिटा लो तो, देखिए नहीं बोलिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा, ये मतलब पढ़ के मेरे साथ देना पड़ेगा आपको, दीजिएगा वक्त, आप यहाँ जाए, चला यहाँ जाए, माशाल्लाह बड़ी अच्छा सुन रहे, सुनिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस शेर पे नोटों को भी संभाल कर रखिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। सर आप लोग कहना दीवाना ये कहेगा, बस क्या कहना है, दीवाना ये कहेगा, सर पिटाले तो जन्नत के लिए सब लोग मरते हैं, उस महशर में देखा जाएगा कौन नेता है। मियां अगर दौलत की बात होती ना तो फिरौन कभी जहन्नम में नहीं जाता जी। मुलाजा फरमाए, सर फरमान चलेगा वो जिस पे अल्लाह रे, वो जिस पे अल्लाह रे, वो जिस पे अल्लाह ने कोई हाथ उतारा, वो जिस पे अल्लाह रे, छोटी मोटी गिफ्ट मिल रही ना, झुर्री बराबर के गिफ्ट तो लोग फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दे रहे। अरे हमें तो इस्लाम में कुरान मिला, बोलिए ना सुभान अल्लाह।
और कुरान कोई क्या मिटाएगा, हाफिजों को मिटाते मिटाते जिंदगी बीत जाएगी और कुरान कैसे मिटाओगे आप। हमारी तो पाके कुरान ऐसी एक जो सीने में सजा कर रखी जाती और वो कुरान के बारे में जा रहा है। देखे मैं के चरण सकत भोसता रे फरमान चलेगा जो तग दिया मौला रे होगे होते रहेगा ओ जैसे पे गए अल्लाह हे दे और आज उतारा ओ जैसे पे गए अल्लाह हे दे और आज उतारा आह तगे हमारा मोहला दे हमारा आह तगे हमारा। सब लोग बोले आह तगे हमारा, बुलंद आवाज से बोले आह तगे हमारा, अपने हाथों उठा के बोले आह तगे हमारा मोहला दे हमारा। वो फूल समोते हुए दस घंटा भी कम पड़ जाता है हम लोगों के पास जी। इधर से इशारा आता है तभी बैठता है आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह वक्त मिली तो फिर पड़ी जाएगी। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए वो फूल समोते हुए कांटों पे चलाए वो फूल समोते फूल सहोते तो पे चला गई ओ फूल सहोते तो पे चला गई ओ फूल सहोते तो पे चला गई ओ फूल सहोते तो पे चला गई। इस्लाम की अजमत चली गई पर पे सहा गए इस्लाम की अजमत अपने नगी गैर भी माफ किया गे अपने नगी गैर भी माफ किया गे तू ही बोलिए सुभान अल्लाह। तू ही कभी होगी नगी 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 उसकी गवारा तू ही कभी होगी नगी तू हमारा दाता हमारा।